आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ते जीवन को चेतन काटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती कार्यक्रम के आयोजक सतमोला कवियों की चौपाल के परम श्रेष्ठ प्रवीण आर्य जी, श्रीमती शुभ्रा आर्य जी और हमारे इस राष्ट्रीय मंच पर जो विराजमान हैं आज़ाद कानपुरी जी, मैं उनके सामने एक हिंदी गज़ल रख रहा हूँ। अरे वाह, स्वागत है साहब। एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए, एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए, आदमी को आदमी के पास आना चाहिए। एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए, आदमी को आदमी के पास आना चाहिए। ये हकीकत है कि हिंदी में हमारी हो लगन, ये हकीकत है कि हिंदी में हमारी हो लगन। ज्ञान उर्दू का जमा पर जगमगाना चाहिए, आदमी को आदमी के पास आना चाहिए। एक शेर और आपके सामने है साहब, कि रामलीला देखकर आदर्श सीखे राम का, रामलीला देखकर आदर्श सीखे राम का, और दिल में हजरत की शहादत भी बिठाना चाहिए। एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए, हर दशहरे पर मुसलमान हिंदुओं के साथ हो, हर दशहरे पर मुसलमान हिंदुओं के साथ हो। हिंदुओं को ताजिए बढ़कर उठाना चाहिए, आदमी को आदमी के पास आना चाहिए। मंदिरों में आयतें जाती पड़ी हो शौक से, आजाद जी एक शेर देखना साहब, कि मंदिरों में आयतें जाती पड़ी हो शौक से, और मस्जिदों में मंत्र बोधक गुनगुनाना चाहिए। एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए,
सिख ईसाई मुसलमान बाद में कुछ और हम, सिख ईसाई मुसलमान बाद में कुछ और हम, भारतीयता का प्रथम गाना तराना चाहिए, एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए। और अंतिम शेर साहब कि नूर मानवता का चमके इस धरा पर ए अनुज, नूर मानवता का चमके इस धरा पर ए अनुज, इस कदर के दीप हर घर में जलाना चाहिए, एकता का मंत्र हर दिल में समाना चाहिए, आदमी को आदमी के पास आना चाहिए। और एक छोटी रचना जो मेरी दूरदर्शन से प्रसारित है, मैं साहब बुंदेलखंड से आया हूँ और जो हमारा विश्व प्रसिद्ध खजुराहो है उसके संबंध में एक रचना मैंने प्रस्तुत की थी, तो ये रचना मेरी दूरदर्शन से भी आई है कि एक ऐसा छवियों का घर सुंदरता का मूक नगर, एक ऐसा सुंदरता का घर सुंदरता का मूक नगर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर, कहते हैं कोई नगरी में था खजुरा शिल्पी अलवेला, कहते हैं कोई नगरी में था खजुरा शिल्पी अलवेला, और रीझा था चित्रकला पर हुआ सुंदरता का था मेला, रीझा था चित्रकला पर हुआ सुंदरता का था मेला, और जिसकी बलबती पिपासा पर खजुरा शिल्पी था न्योछावर, जिसकी बलबती पिपासा पर खजुरा शिल्पी था न्योछावर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर, दिन रात हाथ उस शिल्पी के सुंदरता ढाला करते थे, वो दीवानी चित्रकला में कुछ मनमोहक प्याला भरते थे, उनकी ही प्रेम कहानी को कहता ये छवियों का घर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर। और एक शेर मैंने इसमें लिखा साहब, मैं उसको भोग चुका हूँ कि पूंजी का और गरीबी का क्या मिलन कभी हो पाया है, पूंजी का और गरीबी का क्या मिलन कभी हो पाया है, वो कब निर्धनता का शिल्प अनूठा ताजमहल बन पाया है, जिसकी ये गहरी अभिलाषा धरती दर्शक का अभियंतर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर, सरला सुकुमारी राजकल सरला सुकुमारी चित्रकला आखिर में राजकुमारी थी, सरला सुकुमारी चित्रकला आखिर में राजकुमारी थी, ब्याही जाति क्यों शिल्पी से खजुरा की भी लाचारी थी, ब्याही जाति क्यों शिल्पी से खजुरा की भी लाचारी थी, जीवत तो मिलन न हो पाया, जीवत तो मिलन न हो पाया, दोनों का दुर्भाग्य प्रखर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर। तो खजुराहा क्या कहता है कि सौगात प्रेम की खड़ी हुई कहता मैं तो खजुराहा हूँ, सौगात प्रेम की खड़ी हुई कहता मैं तो खजुराहा हूँ, खजुरा तो ब्याहा नहीं गया मैं चित्रकला से ब्याहा हूँ, खजुरा तो ब्याहा नहीं गया मैं चित्रकला से ब्याहा हूँ, मैं चित्रकला का प्रेम पत्र जीवत है हर अक्षर अक्षर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर। अंतिम शेर साहब प्रवीण जी आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि मैं किसी देवता का मंदिर, मैं किसी देवता का मंदिर पूजा हूँ और पुजारी हूँ, मैं किसी देवता का मंदिर पूजा हूँ और पुजारी हूँ, चितवन उस राजकुमारी की उस खजुरा का आभारी हूँ, चितवन उस राजकुमारी की उस खजुरा का आभारी हूँ, जिसकी पेनी छेनी पर हो रहे करोड़ों न्योछावर, जिसकी पेनी छेनी पर हो रहे करोड़ों न्योछावर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर, जिसमें कुछ जीवन दर्शन के लोग बोल उठे पत्थर पत्थर। प्रवीण जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है और मेरी रुचि का विषय है, राष्ट्रीय कवि संगम भी इसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है और उसमें मुख्य उसका उद्देश्य युवा कवियों को राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, परिवारों में संस्कारों की आवश्यकता, पर्यावरण, ऐसे विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित करना, उनको तलाशना, तराशना और फिर कहीं देवालय में स्थापित करना, ऐसा एक प्रयास रहता है। और उसमें हम 13 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से बहुत से कवियों ने देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है
हमें संतोष है कि हम कुछ योगदान कर पा रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम में भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिला। बहुत से आप में से निखर करके कल कहाँ पहुँचेंगे, ये आपका भाग्य, आपका परिश्रम, आपकी योग्यता, और उससे भी ज़्यादा मैं तो सब कवियों को कहा करता हूँ, आपका व्यवहार कैसा है ये आपको आगे ले जाएगा। केवल आपकी कविता आगे ले जाने में सार्थक नहीं होती। कभी कभी व्यक्तियों का अहंकार हो जाता है, मैंने 4 लाइनें लिखी, मैंने 4 लाइनें लिखी। मैं राष्ट्रीय कवि संगम का भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे से आज तक 4 लाइन माँ सरस्वती ने नहीं लिखवाई। मैं कोई कविता आज तक लिखी नहीं है, ना कवि हूँ। मुझे तो आप जैसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम माँ सरस्वती ने दिया है, मैं वो कर रहा हूँ और मुझे इसी में खुशी होती है। मैंने देश भर के कवियों को भी कहा हुआ है कि आपकी कविता प्रत्यक्ष सुनने का अवसर मिले न मिले, लेकिन रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के बीच में मुझे मोबाइल पर कोई भी कविता सुना सकता है, 2 घंटे दे रखे हैं। और बहुत लोगों के देश भर से फ़ोन आते हैं और मैं सुनता हूँ, और एक श्रोता की भूमिका से जो मुझे लगता है, कोई साहित्यकार की भूमिका से नहीं, तो मैं उसको बताता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये तो बात तो आपकी ठीक है, मैं तो कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं मुझे तो। सब लोग तालियां बजा देते हैं, लिफाफा दे देते हैं। मैंने कहा जो मैं बता रहा हूँ उससे तुम सहमत हो या नहीं हो, पहले तो तुम खुद सोचो कि हाँ बात तो आपने ठीक बताई है, मैंने भी नहीं सोचा और किसी ने बताया भी नहीं। लेकिन अपने लिखे हुए में भी हमेशा उसको सुधार करने की गुंजाइश रहती है। अपने आप भी उसको लिखने के बाद सोचते रहिए इसमें क्या और अच्छा हो सकता है, लेकिन है बड़ा कठिन। वो कविता, उस कविता को वो ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन जब कभी वो सामने आते हैं और मैं सामने बैठा होता हूँ तो संकोच से वो एक बार मेरी तरफ देखते हैं, फिर वही लाइन निकलती है जो पहले लिखी होती है, क्योंकि मैं उसका अभ्यास नहीं कर पाया अभी, ऐसा उनके स्वभाव में बैठ जाता है। मैं इस सारे परिश्रम को, प्रयास को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत युवा कवि सामने बैठे हैं और उसमें यदि शुभकामना की बात कहनी हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। फूलों की खुशबू हो तुम्हारे लिए, बहारों का गुलिस्तां हो तुम्हारे लिए, कामयाबी की मंजिल हो तुम्हारे लिए, बस कुछ पल हो तुम्हारे देश और समाज के लिए, देश और समाज के लिए। कुछ बड़े कवि भी यहाँ, वरिष्ठ कवि भी बैठे हैं, मैं अपने कार्यक्रमों में उनके लिए भी एक बात कहा करता हूँ। हम लोग अपने घर में अपनी संपत्ति का विरास वारिस ढूंढते हैं। अभी किसी ने भी क्या सुनाया था, उसमें वसीयत का कागज संभाल करके रखते हैं। मैंने, हमारे कमल शर्मा हैं दुर्ग के कवि, उन्होंने इस बात को और अलग अंदाज में, बाबूजी को ठंड से टिरते जो देखा, बेटियों के संदर्भ में है, बाबूजी को ठंड से टिरते जो देखा, बेटियां नींद छोड़ रजाई खोजती रही, बेटे खोजते रहे कागज वसीयतों का, बेटे खोजते रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। ऐसे संस्कारों की आज आवश्यकता है। तो मैं उल्लेख कर रहा था कि हम अपने वरिष्ठ कवियों से जो अपेक्षा करते हैं, और ऐसे ही जो नवांकुर हैं उनसे कहता हूँ कि हमने 4 लाइनें लिख ली, लिखने के बाद हम किसी को दिखाते हैं क्या?
बहुत वरिष्ठ कवि आपके इर्द गिर्द होंगे, कभी चार लाइनें उनको दिखा लिया करें, और उसके कलम से एक शब्द को इधर से उधर करने में या एक शब्द को परिवर्तित करने का सुझाव देने में आपकी कविता इतनी निखर जाएगी आपको लगेगा नहीं, अच्छा ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, कविता आपकी रहने वाली है। तो ऐसे हर बालक का कोई पालक कवि होना चाहिए और हर पालक का एक बालक कवि होना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में अपना वारिस, संपत्ति का वारिस ढूंढते हैं। वो वारिस आपको आपके जाने के बाद समाज में, देश में याद नहीं करवा सकता। आपको समाज में, देश में यदि कोई जीवित रखेगा तो वो बालक कवि रखेगा, जो मंच पर जाने से पहले वो कहेगा कि मैं ये चार पंक्तियाँ मैं अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया है। तो ऐसा हर पालक कवि के पास 5-7-10 ऐसे बालक चाहिए, ऐसी पाठशाला उसके पास होनी चाहिए। कितने लोगों को वो कलम पकड़ना या उसका गीत सुधारना, इसका वो प्रयास करता है। सब अपनी अपनी भूमिका लेकर के यहाँ देश में आए हैं, सबको कुछ ना कुछ करके जाना है। क्या करके जाना है, शायद ऐसे ही कुछ अच्छे प्रयास होंगे तभी लोग हमको याद रखेंगे। सबको जाना है ये निश्चित है, कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, ये सबको पता है। और दूसरी बात ये भी है, जाने के बाद सब लोग जीवित भी रहना चाहते हैं। जीवित कैसे रहेंगे, तो ऐसे ही अच्छे कामों के द्वारा रहेंगे। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नए नए कवियत्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलपत जीवन को चेतन जाता बदल गया। नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बनें। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।